दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी तो पता नहीं पाकिस्तान में होगी नहीं होगी, भारतीय टीम पाकिस्तान आएगी नहीं आएगी, लेकिन उससे कबल हम और भी बड़ी सीरीज यानी कि होस्ट करने से महरूम होते जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है किसी चैंपियन ट्रॉफी के चक्कर में हम दोस्तों अब इस इंग्लैंड सीरीज से भी हाथ धो सकते हैं। आपको पता है कि इसी अगले महीने 7 अक्टूबर से पाकिस्तान और दोस्तों इंग्लैंड दरमियान 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का आगाज होने जा रहा है। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान ने तकरीबन 1 साल कबल इस सीरीज के शेड्यूल का ऐलान कर दिया था कि पाकिस्तान इस सीरीज को होस्ट करेगा और यहाँ पर जो पहला टेस्ट मुकाबला होगा एक रावलपिंडी में, एक मुल्तान में और एक कराची में खेला जाएगा। लेकिन आपको पता है कि जो इस वक्त नेशनल स्टेडियम कराची का हाल है, आपको पता है जो जिसकी दोबारा कंस्ट्रक्शन हो रही है, जिसको दोबारा सेट किया जा रहा है चैंपियन ट्रॉफी की तैयारी के लिए, उस लिहाज से हम दोस्तों इंग्लैंड क्लास सीरीज से भी महरूम हो सकते हैं, क्योंकि पीसीबी के एक और बड़ी नाअहली साहब के सामने आ रही है। दोस्तों आप कहते हैं कि पाकिस्तान आखिरकार क्रिकेट को हो क्या गया है, पाकिस्तान क्रिकेट का बस खुदा ही हाफिज है, क्योंकि तकरीबन पाकिस्तान और इसके दोस्तों इंग्लैंड में जो सीरीज होने जा रही है उससे तकरीबन 22-23 दिन बाकी हैं, लेकिन अभी तक इस हवाले से ये ऐलान नहीं हुआ कि ये 3 टेस्ट मुकाबले कब खेले जाएंगे, क्योंकि एक जो मुकाबला कराची में होना था वो दोस्तों अब कराची उसको होस्ट नहीं कर रहा, लेकिन उसका अभी तक ये भी नहीं पता कि उस टेस्ट को होस्ट कौन करेगा, क्या उस टेस्ट को मुल्तान में वो खेला जाएगा टेस्ट मुकाबला या फिर पिंडी में या फिर कजाफ जब लाहौर में। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि लाहौर का भी वो हाल ही है, वो भी इस टेस्ट मैच को होस्ट नहीं कर सकता, इसलिए आपसे पीसीबी के एक और बड़ी नाअहली और ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए यकीन माने बहुत बड़ी एक बुरी खबर है कि हम 3 टेस्ट मैच जो है उनसे महरूम हो सकते हैं, उनको होश ना कर पाए। दोस्तों इसके अलावा दोस्तों अगर ये सीरीज होगी ये पे यूएई या फिर इसको श्रीलंका होस्ट करेगा, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट को पता नहीं किसकी नज़र लग गई है। एक तो टीमें पाकिस्तान पहले आती नहीं थी, जब वो आना शुरू हो गई तो आप कोई ना कोई उसमें मसला आ रहा है, लेकिन आप इतना बड़ा मौका अपने होम ग्राउंड पर, लेकिन क्या बात है पीसीबी उसको क्लियर करते कि हम यही क्लियर करते कि हम 2 टेस्ट मुकाबले हम पिंडी में खेलेंगे और एक मुल्तान में कराएंगे, बस बात करते, या फिर वो कहते कि हम एक मुल्तान में कराएंगे 2 पिंडी में कराएंगे, बात खत्म करें, इंग्लैंड को क्लियर करके बताया। लेकिन अभी तक इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को ईसीबी को इस बात से क्लियर नहीं किया गया स्केड्यूल के बारे में कि आखिरकार जो 3 टेस्ट मुकाबले खेले जाएंगे, जो कराची में मुकाबला खेला जाना था वो मुकाबला अब किस शहर में होगा इसका अभी तक कोई पता नहीं है, लेकिन जो सीरीज का आगाज होने जा रहा है वो 7 अक्टूबर से होगा, इस लिहाज से कमोबेश तकरीबन 22-23 दिन बाकी हैं सीरीज के शुरू होते, इस लिहाज से दोस्तों आप जरा कह बताने के शायद ये वाली सीरीज पाकिस्तान होस्ट ना कर पाए और 3 टेस्ट मैचों को श्रीलंका पंजाब पे यूएई मुंतकिल कर दिया, इस लिहाज से मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये आप सिर्फ पाकिस्तान के बजाय यूएई में, इस लिहाज से क्योंकि अभी तक मोहसिन नकवी स्केड्यूल को क्लियर कराने में इस वक्त दोस्तों नाकाम है। तो इस लिहाज से ये थी दोस्तों आज की बड़ी खबर जो कि पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज के शायद पाकिस्तान अब इन 3 टेस्ट मैचों को भी होस्ट ना कर पाए। तो ये की बड़ी खबर, मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हुसैन स्पोर्ट्स।